हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम क्लिनिक के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस एक ही वीडियो के अंदर सोल्डरिंग, फ्लक्स और बीजीए पेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हमारे बहुत से व्यूअर का क्वेश्चन होता था, सर हमें कौन सा बीजीए फ्लक्स यूज़ करना चाहिए या हमें कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से ऐसी ब्रांड होती हैं जिनके अंदर हमें अच्छे फ्लक्स मिल जाते हैं, चाहे सोल्डरिंग के काम के लिए हो, चिप लेवल के लिए या बीजीए वर्क के लिए हो। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी फ्लक्स और पेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें लो बजट से लेकर के हाई बजट तक इन सभी पेस्टों के ऊपर, फ्लक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लो बजट के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली देखिए, हम जितने भी जो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, उसमें जब भी हम चार्जिंग सॉकेट, जंपर या इस तरह के अगर कोई काम करते हैं, तो इसमें कुछ लो बजट के पेस्ट और फ्लक्स भी होते हैं जो कम कीमत में आते हैं, लेकिन हम सोल्डरिंग का काम उनसे कर सकते हैं, लेकिन इनसे हम बीजीए वर्क नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इन दो फ्लक्स और पेस्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक जो है ये एक नॉर्मल पेस्ट होता है जो कि मार्केट में 20 से 30 रुपए का मिलता है। ये ग्रीन पेस्ट होता है, ये सोल्डरिंग काफ़ी अच्छी करता है, लेकिन इसे हम बीजीए के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट, जंपरिंग वगैरह में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक सबसे ज़्यादा मार्केट में जो रोजिन फ्लक्स चलता है, ये देखिए इस तरह से रोजिन का जो फ्लक्स आता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें हम चार्जिंग सॉकेट या सोल्डरिंग वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये बीजीए वर्क के लिए नहीं होते हैं। इसके बाद हम कुछ कॉपी पेस्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, एक सबसे ज़्यादा जो ये एमटेक का कॉपी फ्लक्स जो इंजेक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है मार्केट में। देखिए वैसे इसकी भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, ये 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का आता है। तो इसके अंदर जितने भी जो कॉपी क्लोन होते हैं, उनमें भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। और इसमें जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये वाला पेस्ट कॉपी में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इसका जो ओरिजिनल आता है, वो देखिए इस तरह से आता है। ये देखिए, ये ओरिजिनल एमटेक का इंजेक्शन फ्लक्स है, ये ओरिजिनल है और ये इसका डुप्लीकेट है। तो इस तरह से मार्केट में हमें एमटेक फ्लक्स के ओरिजिनल और कॉपी भी मिलते हैं। लेकिन देखिए, एमटेक का सबसे बेस्ट पेस्ट यही वाला होता है। इसके अलावा इसमें और भी रेंज होती है, लेकिन इंजेक्शन में हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और इस तरह के 100 ग्राम बॉक्स में ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है और बहुत लंबे समय तक चलता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। उसके अलावा एक और होता है जो मीडियम बजट में होता है, ये हमारा रिलाइफ का RL420 होता है, जिसे हम सोल्डरिंग, बीजीए इन सभी में यूज़ कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा फ्लक्स होता है, और ये रोजिन का ही फ्लक्स होता है जो कि इंजेक्शन में आता है। उसके बाद में एक और रिलाइफ का सबसे प्रीमियम क्वालिटी का जो फ्लक्स होता है, खासकर इसे आप बीजीए के लिए अगर यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो इस तरह के फ्लक्स को वैसे तो हम जो जंपरिंग या चार्जिंग सॉकेट सोल्डरिंग करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खासकर इसका बीजीए में अच्छा परफॉर्मेंस होता है। और देखिए, जो ये हमने आपको रिलाइफ का ये वाला फ्लक्स बताया है RL421, ये भी काफ़ी अच्छा है, सोल्डरिंग, बीजीए सभी में वर्क करता है। इसके अलावा मैकेनिक में देखिए, मैकेनिक में भी एक काफ़ी अच्छा फ्लक्स आता है, ये हमें 100 ग्राम के बॉक्स में भी, सेम ऐसे ही बॉक्स के अंदर 100 ग्राम में भी मिलता है, और ऐसे ही हमें इंजेक्शन में मिलता है, जो कि हम नीडल के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर UV559 के नाम से आता है, ये मैकेनिक का है। इसके साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीडल भी आता है, और ये भी काफ़ी अच्छा फ्लक्स होता है। देखिए, अगर आपको इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है तो आप इस छोटे पैकिंग में भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे पैकिंग में हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो पहले इसे ट्रायल करने के हिसाब से आप छोटा पैकिंग में ले सकते हैं, बाद में आप इस तरह का 100 ग्राम के पैकिंग में भी इस फ्लक्स को ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ बीजीए पेस्ट के ऊपर। आपके सामने हमने यहाँ पर 3 बीजीए पेस्ट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक रिलाइफ का RL400 है जो कि 183 सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुको कंपनी का है, और ये काफ़ी सस्ता आता है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये मीडियम होता है। लेकिन जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का बीजीए पेस्ट होता है। इसके अलावा मार्केट में आपको एक मैकेनिक का 183 सेंटीग्रेड वाला PPD पेस्ट भी मिल जाएगा, और ये तीनों ही पेस्ट वैसे तो अच्छे होते हैं, बस में जो कुको कंपनी का पेस्ट होता है ये मीडियम रेंज का होता है। मतलब क्वालिटी वाइज थोड़ा सा इन दोनों के कंपैरिजन में क्वालिटी इसकी थोड़ी सी लो होती है, लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप इस पेस्ट को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और हमने अभी जो आपको ये तीनों ही जो बीजीए फ्लक्स बताए हैं, ये IC रिबॉलिंग के लिए यूज़ में आते हैं, जिनसे हम IC की बॉल्स बनाते हैं, और इनमें ये तीनों ही क्वालिटी वैसे बेस्ट होती है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मार्केट में जो यूज़ किया जाता है वो इस तरह के मैकेनिक पेस्ट को यूज़ किया जाता है। बहुत से लोग रिलाइफ का RL400 को भी यूज़ करते हैं, और इस तरह के पेस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आती है, इसके अंदर क्वांटिटी कम आती है, इनमें भी क्वांटिटी कम आती है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस सभी का बहुत अच्छा होता है।
इसके अलावा अब हम डिसोल्डरिंग वायर के ऊपर भी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने दो डिसोल्डरिंग वायर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ये रिलाइफ का है जिसका मॉडल नंबर है RL2015। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें कॉपर वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉपर का जो यहाँ पर डिसोल्डरिंग वायर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिल्वर वाला है। देखिए ये भी होता कॉपर का है लेकिन ये सिल्वर प्लेटेड डिसोल्डरिंग वायर होता है। और इसकी जो देखिए डिसोल्डरिंग वायर को हम जब किसी भी आईसी को निकालते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जो बीजीए पेस्ट की जो बॉल्स वहाँ पर रह जाती है उसे हटाने के लिए, या किसी चार्जिंग सॉकेट को जब हम रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सोल्डर होता है उसे हटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही बेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो सिल्वर क्वालिटी का होता है, जो सिल्वर कलर का आता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है और इसका परफॉर्मेंस इस वाले डिसोल्डरिंग वायर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर। वैसे ये दोनों ही डिसोल्डरिंग वायर जो हैं अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और इन दोनों का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है डिसोल्डरिंग के लिए। उसके बाद में देखिए एक जो हम किसी भी जो पेस्टेड आईसी को रिमूव करते हैं, ब्लैक कलर का पेस्ट या व्हाइट कलर का पेस्ट होता है, उसको रिमूव करने के लिए देखिए इस तरह से एक केमिकल आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लिक्विड है ये किसी भी पेस्टेड आईसी के ग्लू को रिमूव करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा रिलाइफ में और सनशाइन में भी सेम टू सेम ऐसा ही आपको केमिकल देखने को मिलता है, लगभग ये सेम प्राइस के ही होते हैं। तो जब भी हम किसी पेस्टेड आईसी को रिमूव करते हैं पीसीबी से तब हम इसे यूज़ करते हैं, तो उस वजह से आईसी जो है जल्दी पीसीबी से बाहर आ जाती है। उसके अलावा आप जो यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिक का जो UV559 है, देखिए ये यूवी इंक नहीं है, ये सोल्डरिंग फ्लक्स है। जैसे हम इसे यूज़ करते हैं सेम वैसे ही ये हमारा मैकेनिक का जो है UV559 हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स है, और ये बीजीए हमारे पेस्ट होते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने इस एक ही वीडियो के अंदर जितने भी मीडियम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के और हाई क्वालिटी के जो सोल्डरिंग फ्लक्स और पेस्ट होते हैं उन सभी के बारे में बताया, और लगभग आप इन सभी पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कामों के हिसाब से। लेकिन अगर कोई पूछे कि हमें बीजीए से रिलेटेड अच्छे पेस्ट सजेस्ट कीजिए, तो सबसे बेस्ट अगर आपको आईसी के लिए देखा जाए तो ये वाला पेस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है आईसी निकालने लगाने के लिए। और ये जो RL421 होता है ये भी काफ़ी अच्छा पेस्ट है। उसके बाद में आप जो एमटेक का ये ओरिजिनल पेस्ट देख सकते हैं ये, और एक ये जो हमारा मैकेनिक का UV559 पेस्ट होता है, इन सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। और देखिए बीजीए में भी इन पेस्टों के अलावा बहुत सारे पेस्ट आते हैं, लेकिन हमने आपको कुछ मीडियम और अच्छे बजट के, जो मतलब कम से कम बजट के अंदर अच्छा हमें काम देने वाले जो पेस्ट होते हैं उसके ऊपर हमने बात करी। तो इस तरह से इनमें से आप किसी भी पेस्ट को अपने काम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इन पेस्ट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई 101% करेंगे। और अगर आप इन पेस्ट और फ्लक्स को परचेस करना चाहते हैं तो इन सभी की परचेसिंग लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करी हुई है, और हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है उसका व्हाट्सअप नंबर भी हमने इस स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। तो आप व्हाट्सअप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं या डायरेक्टली आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड हम इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।